हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटिफिकेशन गुरु में। फ्रेंड, आज के इस नोटिफिकेशन में हम आपको बताने वाले हैं एयर इंडिया नई भर्ती 2019 के बारे में। एयर इंडिया ने जारी कर दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टोर एजेंट के पदों पर भर्ती का, तो इसी के बारे में आज देंगे आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप। साथ ही आपको दिखाएंगे एयर इंडिया के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी, ताकि आप समझ सके इसकी पूरी जानकारी को और भर सके इस फॉर्म को। फ्रेंड, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अपने फ्रेंड के साथ, ताकि आपके फ्रेंड भी जान सके इस वैकेंसी के बारे में और वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा आई हुई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले और आप उसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमको मोटिवेट मिलती रहे और हम आपके लिए लाते रहें ऐसी नई नई वैकेंसीज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर इंडिया नई भर्ती 2019 आ चुकी है। पोस्ट है आपकी स्टोर एजेंट की और क्वालिफिकेशन है ओनली ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन पास है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप बीए हो, बीकॉम हो या बीएससी हो, आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब है, आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी होगी आपकी 21,100 रुपये पर मंथ, इसमें एक्स्ट्रा कुछ आपको ऐड करके ग्रेड पे भी दिया हुआ है। साथ ही लास्ट डेट जो है इस फॉर्म की 15 दिसंबर 2019 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फ्रेंड, फॉर्म को भरने से पहले इसकी सारी जानकारी को अच्छे से देख लेते हैं, लाइक कितनी इसकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी, कितना आपको पे स्किल मिलेगा और क्या इसकी क्वालिफिकेशन है और कितनी वैकेंसीज हैं, ये सारी जानकारी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन मोड की। तो फ्रेंड, इस फॉर्म का जो एप्लीकेशन मोड है, इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाकर के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और जाने के बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं बात करें अगर इसके डेट्स की, तो फ्रेंड 1 नवंबर 2019 से इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है और 15 दिसंबर 2019 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जान सके इस वैकेंसी के बारे में और वो भी इसका लाभ उठा सकें। आगे बढ़ते हैं और बात करें अगर जॉब लोकेशन की, तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्रॉस इंडिया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया आपकी जॉब लोकेशन है। आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें कि कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए सिर्फ ऑल इंडियन कैंडिडेट्स ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। फ्रेंड, अगर हम बात करें एयर इंडिया स्टोर के एजेंट के वैकेंसी डिटेल्स की, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो वैकेंसी डिटेल्स की बात करें, तो इसमें देखिए एससी के लिए 8 सीटें हैं, एसटी की 4 सीटें हैं, ओबीसी की 15 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 5 सीटें, जनरल की 25 सीटें हैं। टोटल मिलाकर के हमारे पास 57 सीटें हैं स्टोर एजेंट पोस्ट के लिए। वहीं बात करें पे स्केल की, तो 21,000 रुपये CTC पर मंथ आपको मिलेगा। वहीं एज लिमिट की बात करें, तो 21 साल से 33 साल के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स है, यानी कि 1 अक्टूबर 2019 के आधार पर आपकी आयु गणना की जाएगी, तो 1 अक्टूबर तक आपकी आयु 21 ईयर्स हो जानी चाहिए। वहीं एज में रिलेक्शन की बात करें, तो एससी एसटी के लिए 5 साल का और ओबीसी के लिए 3 साल का एज में रिलेक्शन दिया हुआ है, यानी कि एससी एसटी कैंडिडेट्स 33+5 वाले कैंडिडेट, यानी कि 38 साल की आयु तक अप्लाई कर सकते हैं और ओबीसी वाले 36 साल की आयु तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से, यानी कि एनी डिसिप्लिन एनी फैकल्टी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हुआ है 3 साल के ड्यूरेशन में, विद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टोर का या फिर वेयर हाउस मैनेजमेंट का, आपने किसी भी फील्ड में वर्क किया है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है एयर इंडिया स्टोर एजेंट नोटिफिकेशन 2019 के तहत आपका जो होगा, ये डिपेंड करेगा आपके बेस ऑफ इंटरव्यू पे, आपके इंटरव्यू के ऊपर ही आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। वहीं बात करें अगर एप्लीकेशन फ़ीस की, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जनरल ओबीसी के लिए 1,000 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस है, वहीं एससी एसटी एक्स सर्विस मैन के लिए निल है, उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करना है। एग्जामिनेशन फीस आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करना होगा और डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाएंगे एयर इंडिया लिमिटेड के फेवर में और दिल्ली के लिए आप पेबल करवाएंगे। बात करें अगर कैसे अप्लाई करना है, तो फ्रेंड अप्लाई करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप स्टोर एजेंट के नीचे दिए गए अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करेंगे,
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई नाउ का लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे और आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और आप उस फॉर्म को भरेंगे 1 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में अच्छी तरीके से। कोई भी डाउट्स होगा मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर्म को जब आप फिलअप करेंगे तो 2 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ आपको लगेगा, उसके साथ ही आपके डॉक्यूमेंट्स को लगेंगे, क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिसेंट चाहते हैं तो, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या आपके मैरिटी डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको एयर इंडिया की साइट पर जा करके आपको लॉगिन करना होगा और वहाँ पे फॉरवर्ड करना होगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अप्लाई नाउ का भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब हम देखेंगे एयर इंडिया के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि स्टोर मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए था। तो चलिए देखते हैं स्टोर वाले के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है एयर इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टोर एजेंट की पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखिए, इसमें आपकी वैकेंसी के डिटेल्स को बताया हुआ है कि कितनी कितनी सीटें हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल मिलाकर के हमारे पास 57 सीटें हैं। एससी की 8 सीटें, एसटी की 4, ओबीसी की 15 और ईडब्ल्यूएस की 5 और जनरल की 25 सीटें हैं। टोटल मिलाकर के हमारे पास 57 नंबर ऑफ वैकेंसी है स्टोर एजेंट पोस्ट के लिए। आगे बढ़ें और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये आपको 5 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका सिलेक्शन करेगी, ठीक है। 5 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। वहीं मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टोर मैनेजमेंट या फिर वेयर हाउस मैनेजमेंट का, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कैंडिडेट्स के पास, अगर आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस या फिर लाइट व्हीकल लाइसेंस है, तो आपको पहले इसके लिए प्रेफरेंस किया जाएगा, यानी कि आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर रहेगा, सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। एक्सपीरियंस आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन। लैंग्वेज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज लिमिट 21 से 33 साल है। वहीं ओबीसी के लिए 36 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और एससी एसटी के लिए 38 साल। एक्स सर्विसमैन के लिए एज मेरिटेशन दिया हुआ है, ये एज पर रूल आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया हुआ है। वहीं रिमिशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ₹21,000 सीसीटी आपको पर मंथ मिलेगा। वहीं ₹250 एनुअल इंक्रीमेंट आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिक पे आपकी 7,000 रहेगी, ठीक है। डीए बेसिक पे 7,000, फिर एचआरए आपका 2,000, अदर अलाउंस आपको 3,500 और आपके ₹1,400 आपके कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर के बेस पर मिलेगा। टोटल आपको ₹21,000 आपकी सैलरी हो जाएगी। वहीं बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। साथ ही जो आपका इंटरव्यू होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जॉब नॉलेज एंड मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 30 मार्क्स मिलेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स के 30 मार्क्स, प्रोफेशनलिटी फिजिकल अपीयरेंस के लिए 30 मार्क्स और आपका ईआरपी सिस्टम नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के लिए 10 मार्क्स। टोटल आपके 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। वहीं अप्लाई करने के लिए 1 अक्टूबर से आप अप्लाई कर सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अप्लाई करते वक्त आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, प्रूफ या फिर क्या 10th क्लास की सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, साथ ही आधार कार्ड वगैरह भी इसमें लगाना पड़ेगा। साथ ही जब आप इसका फ़ी पेमेंट करेंगे तो ₹1,000 का आपको डीडी बनवाना पड़ेगा, वो आपका एयर इंडिया लिमिटेड के लिए बनवाना पड़ेगा। कुछ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको इसको अप्लाई करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, कुछ चेकलिस्ट वगैरह बताई हुई हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो आपको भी वहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी। तो देखिए, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, 10th क्लास का मार्कशीट हो गया, 12वीं पास का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके साथ ही आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स में अप्लाई करते हैं तो, और 2 रिसेंट के पासपोर्ट फोटोग्राफ भी आपके लगेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है एयर इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी के बारे में। फ्रेंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं आप चाहे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स चल रहे हैं उनकी भी लिंक्स आपको दिए हुए हैं, तो उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए जॉब्स लाते रहें। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूँगा एक नई वैकेंसी के साथ। तो अभी के लिए गुड बाय।